हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेय शिल्पी। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और हाँ, बहुत दिन हो गए। एक्चुअली मैं बीच में फिर से रुक गई थी, मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी ड्यू टू डांस के क्लासेस। परेशान हो गई हूँ मैं इस क्लासेस से, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ गाइज। और हाँ, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो ये है कि आज हमारा 14 डेज कम्प्लीट हो गया है। सो हम लोग कल से बाहर निकल सकते हैं। सो पता नहीं क्या करूँगी, चलूँगी मार्केट, लेकिन वो भी है कि बाहर जाना भी बिल्कुल सेफ नहीं है, बच्चों को लेकर तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं निकलूँगी, क्योंकि घर में रह रह के मैं बिल्कुल पक चुकी हूँ। और हाँ गाइस, आज जो हमारा बनने वाला है रेसिपी है दोपहर का, मैं डिनर नहीं, एक्चुअली लंच जो मैं बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल ही सिंपल सा खाना है। और वो है भिंडी आलू पोस्तो। पोस्तो जो है हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, सिवाय मुझे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पोस्तो पसंद नहीं है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, मैं आपसे शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो चढ़ा दिया है। सो चलिए दिखाती हूँ। तो ये है हमारा भिंडी आलू पोस्तो बनाने का रेसिपी, बहुत ही इजी है दोस्तों। एक्चुअली ये मैं बहुत ही इजी वे में बनाती हूँ, ये जो आपको दिखा रही हूँ, जैसे आप भिंडी आलू की भुजिया बनाते हैं बस वही प्रोसेस है। इसमें मैंने भिंडी आलू और थोड़ा सा प्याज डाला है, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। और ये देख रहे हो आप, इस पर मैंने नमक और हल्दी मिक्स किया है। और अब बस मैं सिर्फ इस पर जो पोस्तो है और 3-4 हरी मिर्च, इसको मैंने पीस लिया है, अच्छे से पेस्ट कर लिया है, और इसको मैं इस पर डाल रही हूँ। कुछ इस तरह से इसे मिक्स करना है। और बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है हल्का सा, ताकि ये लग ना जाए नीचे से। सो गाइस, ये बनाना बहुत ही इजी है, और ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बंगाली रेसिपीज़ में से एक है। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ट्राई करें इसे, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। सो ये आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से मिला लूँगी। और ये जो है हमारा भिंडी आलू पोस्तो रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे। आप ये ट्राई करके देखिए, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। सो ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है हमारा भिंडी आलू पोस्तो, चलिए इसे सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का जो लंच जो मैंने बनाया है, ये है दाल चावल सब्जी करेला। ये मैं आपको दिखा रही हूँ चावल दाल, और ये है हमारा भिंडी आलू पोस्तो। कितना टेस्टी लग रहा है देखने से, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मेरे घर में सबको बहुत पसंद है गाइस। और ये है करेला, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी सुगन भाभी ने हमें दिया है आज, वो उन्होंने आज करेला बनाया था। सो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, सो उन्होंने भेजा ये। और ये है गाइस पापड़, ये तो सभी बच्चों को ही पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है। सो आज ये हमारा जो है रेसिपी है, ये हमारा आज का लंच है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर श्रेयांश का जो रखा हुआ है प्लेट है, और अभी हम लोग खाना खाएंगे। सो फ्रेंड, हम लोग खाना खाने आए हैं। कहाँ पर? जेल से बाहर, इनके लिए, क्योंकि आज इनका जेल से मुक्ति दिवस है। आप देख पा रहे होंगे उनकी चवन्नी मुस्कान, क्योंकि आज वो जेल से मुक्त हुए हैं। 14 डेज का कारावास था। कैसा लग रहा है आपको? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? देखिए कैसे गाल में हाथ देकर बैठे हुए हैं। और ये है हमारा छोटा, है हमारा छोटू श्रेयांश, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ले रहा है अभी दाल भात भिंडी पोस्तो। पोस्तो भाव लगे तुम्हार? आर की भाव लगे? अंडा पनीर। अंडा पनीर और मछली तो
श्रेयांश का फेवरेट फूड है। क्यों, मछली आपको तो बहुत पसंद है? नहीं। और ये है हमारे मिस्टर घोष। अरे ये थाली आपका है, आप गलत थाली से खा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। और ये है हमारा करेला जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये मैंने नहीं बनाया है, ये हमारी सुमन भाभी ने बनाया है, और आप सुमन भाभी को जानते होंगे। सुमन भाभी आप देख रही होंगी ये वीडियो, तो आपको अभी पता चल जाएगा ये करेला कैसा बना है। सो पतिदेव जरा बता दीजिए सुमन भाभी को, करेला कैसा बना है? बढ़िया। बढ़िया, कितना बढ़िया? अच्छा वो और एक बार खा के फिर बताते हैं कितना बढ़िया। रेटिंग किया जाए आज 10 में से कितना? 8। अच्छा 10 में 8 मिल गया आपको सुमन भाभी, आपको बधाई हो, इस खुशी में आप फिर से बना के खिलाइएगा। और ये हमारा आज का लंच जो हम लोग अभी खा रहे हैं, और मैं अभी खाने वाली हूँ। आपको लग रहा होगा मैं इतना चावल खाती हूँ, सो मैं बता दूँ मैं इतना चावल नहीं खाऊंगी, ये हस्बैंड के लिए था, और जो है थाली जो है ये एक्सचेंज हो गया है। सो चलिए मैं फटाफट से खाना खा लूँ, तब तक के लिए दोस्तों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।